कार्स में ना बेसिकली देखो एक सिस्टम आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है, जैसे इसमें ना बटन दे रखा है, महिंद्रा में बटन दे रखा होता है, टाटा में बटन नहीं होता है। तो जैसे मैं इस बटन को यहाँ पे छूंगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर देगा। स्पोर्ट्स मोड में स्टीयरिंग थोड़ा हैवी कर देता है, ठीक है। और अगर मैं देखूंगा, अगर मैं गाड़ी को स्लो चला रहा हूँ और स्लो चलाते वक्त मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको कम्फर्ट जोन में ले जाऊँगा। कम्फर्ट में बहुत मक्खन हो जाता है, बहुत ही जल्दी घूमने लग जाता है। तो अब ये ईपीएस काम कैसे करता है, जैसे अगर मैं बात करूँ टाटा की, तो टाटा क्या करता है, टाटा आपको जब आप स्पीड इंक्रीज़ करते हो ना, तो उस टाइम पे उसमें सेंसर होते हैं, स्पीड सेंसर होता है, एंगल सेंसर होता है, उनके बेसिस पे वो क्या करता है, जो असिस्टेंस होता है, जो गाड़ी आपको प्रोवाइड कराती है इंटेलिजेंटली, जो आपको प्रोवाइड कराती है, उस असिस्टेंस को कम कर देता है। जैसे अगर आपको वो 100% दे रहा है, आप यहाँ से गाड़ी चला रहे हो, आप स्टीयरिंग मूव कर रहे हो, तो वहाँ से वो भी आपको पावर दे रहा है, तो टोटल 100% पावर है। तो सपोज करो वो आपको 80% पावर दे रहा है, 20% आपकी जान लग रही है, तो क्या होता है, तेज चलाते वक्त वो उस पावर को कम कर देता है, वो उसको 50 कर देगा। तो 50% आपको जान लगानी पड़ेगी, 50% गाड़ी आपको पावर देगी। तो इस तरीके से ईपीएस काम करता है। ईपीएस एक असिस्टेंस है जो आपको बेसिस ऑन सेंसर की आपकी स्पीड क्या है उसके बेस पे प्रोवाइड किया जाता है। महिंद्रा में ऐसा नहीं होता, महिंद्रा में आप बटन दबा के डिसाइड कर सकते हो कि आपको पावर ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। आप यहाँ पे दबा दो, आप चाहे तेज चलाओ या कम चलाओ, ये उसी हिसाब से पावर देगा। पहले क्या होता था, पहले हाइड्रोलिकली आते थे, तो उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें क्या होता था, उसमें आपको जो पावर दे दी उतनी पावर होती थी। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली होती है, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि आपकी ड्राइविंग के हिसाब से और सेंसर के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देते हैं।